जागरूकता सम्मेलन में उपस्थित मुंगेर संसदीय क्षेत्र से माननीय सांसद पूर्व मंत्री भाई राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, लखीसराय जिले के प्रभारी मंत्री तथा बिहार के माननीय मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री नीरज कुमार जी, सूरजगढ़ा के माननीय विधायक श्री प्रहलाद यादव जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री संजय प्रसाद जी, पूर्व विधायक श्री प्रेम रंजन पटेल जी, लखीसराय जिला परिषद के अध्यक्ष श्री रमाशंकर शर्मा और नूनू बाबू जी, लखीसराय नगर परिषद के अध्यक्ष श्री अरविंद पासवान जी, बढ़िया नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती मंजू देवी जी, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष श्री रामानंद मंडल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री देवानंद शाह जी, लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री धुरी पासवान जी, सूर्यगढ़ा प्रखंड के प्रमुख श्रीमती चंदन देवी जी, जकरपुरा ग्राम पंचायत के मुखिया श्री कृष्णदेव पासवान जी, यहाँ उपस्थित मदन मोहन चंद्रवंशी जी, संजय महतो जी, आशुतोष कुमार सिंह जी, अशोक कुमार मंडल जी, नंद कुमार जी, रविशंकर प्रसाद सिंह जी, मनोज मेहता जी, कैलाशपति जी, जनार्दन प्रसाद मेहता जी, श्रीमती पिंकी कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम में मौजूद बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री अमृतलाल मीना जी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव और लखीसराय के प्रभारी सचिव श्रीमती एन विजया लक्ष्मी जी, श्री मनीष कुमार वर्मा जी, मुख्यमंत्री के सचिव, मुंगेर क्षेत्र के डीआईजी श्री मनु महाराज जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, मनरेगा के आयुक्त श्री सीपी खंडूजा जी, लखीसराय के जिलाधिकारी शोभेंद्र कुमार चौधरी जी, लखीसराय के पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार जी, सभी विशिष्ट अतिथिगण, जीविका समूह की दीदियाँ, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं आप सब लोगों का इस जल जीवन हरियाली जागरूकता सम्मेलन में उपस्थिति के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठंड को झेलते हुए आप सब यहां उपस्थित हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में बहनें भी यहां उपस्थित हुई हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं और सबको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। और ये जो कार्यक्रम आयोजित है, इसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने कई बातों की चर्चा कर दी है, मुख्य सचिव ने भी, डीजीपी ने भी इसकी चर्चा की है, अन्य साथियों ने इसकी चर्चा की है, हमारे कुछ साथियों ने, हमारे जो यहाँ के विधायक जी हैं, एमएलसी साहब हैं, अन्य लोग हैं, और यहाँ पर कई लोगों ने मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पिटिशन भी मुझको मिला, तो इस सब लोगों की बात सूर्यगढ़ा के संबंध में हम सुन रहे थे। ये सब की चिंता मत करिएगा, हम जब घूमते रहते हैं तो कोई ना कोई खास काम से घूमते हैं, और उस सिलसिले में अगर किसी इलाके की कोई मांग आती है, हम उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं, और मुख्य सचिव भी यहाँ साथ हैं, उनको हमने कह दिया है कि इनकी बातों पर गंभीरता से
गौर कीजिएगा और विचार करिएगा। इसलिए मत चिंता करिए, चिकित्सा की दिक्कतें हैं यहाँ पर। बिल्कुल 30 बेड का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन गया है, डॉक्टर्स की कमी है, ये बात सही है, हमने विधायक जी को बता भी दिया है। लेकिन बहुत जल्दी अभी मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग को कि जल्दी से जल्दी कुछ सप्ताह के अंदर डॉक्टर्स की, जिसमें लेडी डॉक्टर्स भी होंगी, सबकी बहाली हो जाए। वो 30 बेड का हॉस्पिटल है ताकि लोगों को असुविधा न हो। और भी जो दूसरी चीज़ें, उन सभी चीज़ों पर गौर किया जा रहा, सड़कों से लेकर अन्य चीज़ों का। यहाँ पर पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव भी आपके मौजूद हैं, सब लोग सुन रहे हैं और सब लोगों को कह दिया है, इसलिए उसकी चिंता ज़्यादा मत करिए। और अभी जितना काम हो रहा, मुझको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज इस अवसर पर यहाँ पर मैं तो धन्यवाद देता हूँ संबद्ध विभागों को, जो कई योजनाओं का उद्घाटन कराया है, 103 योजनाओं का उद्घाटन कराया गया है, जिसमें हलसी प्रखंड में आईटी सेंटर भवन का निर्माण है, जिला परिवहन कार्यालय लखीसराय का भवन निर्माण है, ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत विभिन्न सड़कों का निर्माण है, कई चीज़ों का उद्घाटन हुआ है, और 257 योजनाओं का शिलान्यास, जिसकी कुल प्राकलित राशि 148 करोड़ रुपये है, और उद्घाटन हुआ है उन योजनाओं की कुल राशि 49 करोड़ रुपये है। तो ये सब हो रहा है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा हर घर नल का जल योजना अंतर्गत विभिन्न जगहों पर 66 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से कार्य कराना शुरू कर दिया है, उसका भी शिलान्यास है। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न पथों का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसकी प्राकलित राशि 42 करोड़ 79 लाख रुपया है। ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न सड़कों का निर्माण, जिसकी लागत 21 करोड़ 29 लाख रुपया, ये सब किया गया। मैं विभिन्न विभागों को धन्यवाद देता हूँ, वह इस इलाके के लिए है। लेकिन आप सब जानते हैं, हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए प्रारंभ से काम किया है, और शुरू से ही हमारा क्या सपना है और क्या हमारा उद्देश्य, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान। कोई इलाके की उपेक्षा हम लोगों ने नहीं किए, और उसके साथ साथ समाज के हर तबके का उत्थान किया है, और खास करके जो तबका किनारे पड़ा हुआ था उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो काम किया गया है। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, क्या हालत थी महिलाओं की, लड़कियों की क्या हालत थी, 5वें क्लास के बाद माता पिता गरीबी के कारण अपनी बेटियों को मिडिल स्कूल भी नहीं भेज पाते थे। और जो काम हम लोगों ने शुरू किया, पोशाक योजना, लड़कियों की संख्या मिडिल स्कूल में कितनी बढ़ गई, फिर लगा हर लड़की को कम से कम मैट्रिक पढ़ाए, तो 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कितनी कम थी, 1,90,000 पूरे बिहार में, और साइकिल योजना की शुरुआत कराई। और कौन लड़की साइकिल चलाती थी, पटना शहर में भी साइकिल चलाते हुए लड़की नहीं दिखती थी, लेकिन लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत हुई। लड़कियों में कितनी जागृति आई, कितना आत्मविश्वास बढ़ा, और जब लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी तो पूरे समाज में एक वातावरण बदल गया, लोगों का सोच बदला। और जब 2 साल लड़कियों को साइकिल चलाते स्कूल लड़के लोग देखते रहे, तो जगह जगह लड़कों ने हमको कहना शुरू किया कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू की। लेकिन एक बात जान लीजिए, लड़कियों की संख्या 9वें क्लास में 1,70,000 से भी कम थी, और आज संख्या लड़के और लड़कियों की लगभग बराबर हो गई है, 9 लाख के करीब 9वें क्लास में लड़कियों की संख्या हो चुकी है। तो एक एक काम, क्या हाल था महिलाओं का, बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में दिया, और उसके बाद प्राथमिक शिक्षक के रूप में 50% का आरक्षण, और अब तो 7 निश्चय में हम लोगों ने कर दिया। सरकार के सब प्रकार की सेवाओं में महिलाओं को 35% का आरक्षण, उसके पहले कर दिया था पुलिस बल में महिलाओं का 35% आरक्षण। पहले कहां महिलाएं पुलिस में दिखती थी,
और आज बिहार में जितनी महिलाएं पुलिस बल में दिख रही हैं, देश के किसी दूसरे प्रांत में इतनी महिलाएं पुलिस बल में नहीं दिख रही हैं। तो महिलाओं के उत्थान के लिए जितना काम किया गया, उसी तरह से दलित, महादलित, आदिवासी समुदाय के विकास के लिए, अति पिछड़े वर्ग के विकास के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, हर समुदाय के विकास के लिए हम लोगों ने काम किया और हर इलाके का काम किया। तो ये काम तो करते रहेंगे, चाहे सड़क का निर्माण हो, स्कूल का हो, अस्पताल का निर्माण हो, ये सब काम चलता रहेगा। और एक एक इलाके के विकास के लिए विशेष तौर पर और काम, तो अभी तक तो हम लोगों ने बहुत काम किया और इस बार तो 7 निश्चय में जो हम लोगों ने ऐलान किया, कोई सोचता नहीं था, हम लोगों ने तय कर दिया कि हर परिवार तक, हर इच्छुक परिवार को बिजली का कनेक्शन देंगे। और 2018 के दिसंबर का लक्ष्य रखा, 2018 के अक्टूबर महीने तक ही हर घर बिजली का कनेक्शन पहुंचा दिया। और उसके बाद हमने तय किया कि भाई सिर्फ बिजली का कनेक्शन घर में नहीं, अब खेती के लिए, सिंचाई के लिए भी हम बिजली का कनेक्शन देंगे, ताकि जो इलाका नहर का इलाका है वो अलग का इलाका, लेकिन बाकी इलाकों में लोग पटवन करते हैं और वो पटवन करते हैं डीजल से, उसमें काफ़ी खर्च लगता है। अगर 100 रुपया डीजल के पटवन में खर्च होगा, तो हम लोगों ने तय कर दिया है हर इच्छुक किसान को भी बिजली का कनेक्शन देंगे और उसमें खर्च होगा मात्र 5 रुपया, जिसके लिए 100 रुपया खर्च होता था, खर्च होगा मात्र 5 रुपया। ये भी काम कर रहे हैं। और जितने पुराने जर्जर तार हैं उसको बदलने का निर्णय लिया, और इस साल आज जान रहे 26 दिसंबर है, 31 दिसंबर तक सारे पुराने जर्जर तार बिहार के बदल जाएंगे। तो एक एक काम किया है, अब ये काम किया हम लोगों ने बिजली के क्षेत्र में। और उसके बाद क्या कहा, हर घर शौचालय का निर्माण देश भर की योजना है। अब हम लोग लगभग हर घर शौचालय के काम तक पहुंच चुके हैं। और उसके बाद क्या तय किया, हर घर नल का जल उपलब्ध कराएंगे, हर घर नल का जल, कोई सोचता नहीं था, हर घर नल का जल, और अब लगभग आधा हो चुका है। और हम लोगों का लक्ष्य है अगले साल चुनाव वगैरह की जो शुरुआत होगी उसके काफी पहले पूरे बिहार के हर घर में नल का जल हम लोग उपलब्ध करा देंगे। और इसका मकसद क्या है, हम प्रारंभ से कहते हैं कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए, तो आज जितने प्रकार की बीमारियां होती हैं 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। और इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो हर जगह स्वच्छ पानी, और उसके बाद आप लोग चाहे जितना मांग करिए, हम लोग तो तय कर दिए हैं, गांव हो या शहर का मोहल्ला हो, कहीं भी हो, टोला हो, हर जगह हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, और यह भी अगले साल पूरा होने के पहले हम लोग इस काम को पूरा कर देंगे। तो एक एक काम, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, गांव का जो टोला है उसको भी पक्की सड़क से जोड़ना, तो ये सब काम तो कर ही रहे। उच्च शिक्षा के लिए, और एक बात जान लीजिए, बिहार में खास बात हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो आबादी इतनी ज्यादा, बिहार में जो प्रजनन दर है, आबादी देश के का जो औसत है 1 वर्ग किलोमीटर में, उससे 3 गुना के करीब। और एक आध देश छोड़ दीजिए सिंगापुर वगैरह, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी का घनत्व बिहार में है, ये जान लीजिए। और इसलिए प्रजनन दर को घटाने का जब हमको काम करने का मौका दिए, तब प्रजनन दर था 4.2, अब घट के हुआ है 3.2। इस पर हमने काम करना शुरू किया और उसी में हमने देखा कि भाई कैसे प्रजनन दर घटाएंगे। जब देखा कि पूरे देश में अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है, तो उस प्रकार के परिवार का भी प्रजनन दर पूरे देश में औसत 2 है, और बिहार में भी अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो यहां भी प्रजनन दर 2 मिला हमको अध्ययन करने पर। और अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है
तो देश का औसत निकला प्रजनन दर 1.7 और बिहार का निकला अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो मिला 1.6। ये तो मेरे लिए यूरेका की भावना आई कि इतनी बड़ी बात अगर महिलाएं शिक्षित हों, मैट्रिक पास हों, इंटर पास हों तो अपने आप प्रजनन दर नीचे जाएगा। और तब हम लोगों ने तय कर दिया कि हर एक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाएंगे और 6000 से ज्यादा पंचायत में हो गया, बचे खुचे सारे पंचायत में इस बार अप्रैल महीना, ये दिसंबर है, 5 दिन बचा है, अगले साल अप्रैल महीने तक जितने बाकी पंचायत हैं सब जगह 9वें क्लास की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और जान लीजिए एक एक काम जो सोचते हैं उस पर हम लोग निर्णय लेकर काम करते हैं। आप सबका सहयोग चाहिए और ये सब काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद मुझको एक चीज दिखाई पड़ा कि भाई ये जलवायु परिवर्तन हो रहा, ये प्रदूषण बढ़ रहा, पर्यावरण में असंतुलन आ रहा है, ये सब चीज हम देख रहे थे। कितनी वर्षा होती थी, कब वर्षा की शुरुआत होती थी? 15 जून से मानसून की शुरुआत होती थी वर्षा ऋतु की, अब ऐसा नहीं होता। और पहले वर्षापात कितना होता था, एक साल में औसत वर्षापात बिहार में होता था 1200 मिलीमीटर से लेके 1500 मिलीमीटर तक। और उसके बाद जब हमने देखा, आकलन किया कि अगर पिछले 30 साल का देख ले तो औसत घट करके हो गया है 1027 मिलीमीटर, और पिछले 13 साल का औसत हमने देखा कि और घट करके हो गया है 901 मिलीमीटर। अब आप सोच लीजिए। और उसके बाद जल स्तर नीचे जा रहा, किस किस तरह की स्थिति आई, पहले जिसकी तैयारी नहीं थी आपदा प्रबंधन की, याद करिए 2007 में 2.5 करोड़ लोग प्रभावित, 22 जिला प्रभावित, और उस समय से जो हमने आपदा प्रबंधन का काम किया, और ये उसी समय हमने घोषणा कर दी कि भाई आपदा प्रबंधन में जो भी करना पड़ेगा पीड़ित लोगों की जितनी मदद करनी पड़ेगी करेंगे, और कहा सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा प्रभावित का है, ये बात कह करके हमने काम किया। लेकिन जरा देख लीजिए, भूजल स्तर नीचे जा रहा, पिछले साल जो सूखा पड़ा 534 प्रखंड में से 280 प्रखंड सूखा प्रभावित, और उसके बाद हमको लग रहा था इस साल भी होगा, मुश्किल आएगी, और इस बार क्या हुआ, इस बार जो जल स्तर नीचे गया, गंगा नदी के दक्षिण के इलाकों में जल स्तर तो पहले से नीचे जाता रहा है, लेकिन इस बार हमने देखा कि उत्तर बिहार में भी जल स्तर नीचे जा रहा है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था दरभंगा जिले में जल स्तर नीचे गया। हमने कहा कि लोगों ने, प्रकृति ने सचेत कर दिया है, अगर हम लोग सचेत नहीं होंगे और इस बात को गंभीरता से नहीं देखेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने कहा, कहना शुरू किया कि इस पर ध्यान देना पड़ेगा, और 13 जुलाई को पटना में बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सभी दलों के माननीय सदस्यों की बैठक, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति ने मिलकर बुलाई, 8 घंटा लोग बैठे, इस विषय पर चर्चा हुई, शुरुआत हमने की, समापन भी किया, और उसी दिन हमने कहा कि हम लोग सब सचेत हों और हम लोगों को सोचना पड़ेगा पर्यावरण के संतुलन के लिए। और उसी दिन हमने कहा कि हमें जल जीवन हरियाली अभियान चलाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जल, उसके बाद जीवन, उसके बाद हरियाली, यानी जल और हरियाली के बीच में जीवन है, अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है, अगर जल की कमी होती जाएगी, हरियाली घटती जाएगी तो जीवन असुरक्षित हो जाएगा। इसलिए जल जीवन हरियाली अभियान नाम देकर, और उसके बाद हम लोगों ने पूरी योजना बनाई।
और इस बार क्या हुआ बताइए, जुलाई महीने में 13 जिला बाढ़ से प्रभावित हुआ, बीच में सूखे की स्थिति, सितंबर महीने में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ा, कई जिले प्रभावित, और अंत में सितंबर महीने में अतिवृष्टि हुई, बहुत जिले 14-15 जिले प्रभावित हो गए। कितना इलाका प्रभावित हुआ, हम लोगों से जो संभव है हम लोग मदद कर रहे हैं, वो मदद करेंगे, बचा हुआ काम भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से जो स्थिति आई, हम लोगों ने यही तय किया कि अब हम लोगों को काम करना पड़ेगा पर्यावरण के संरक्षण के लिए और ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसको रोकने के लिए, और उसके लिए जो जल जीवन हरियाली अभियान है इसको मिशन मोड में लागू कर रहे हैं। और इसका 11 है, आपको मालूम है जितने सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहार पाइन है, इस सब को चिन्हित करके, अरे काहे के लिए बीच में बोल रहे हो, अगर ये नहीं सुनोगे तो बचोगे नहीं। कोई भड़काता है भड़को मत, बात सुनो, हम एक एक आदमी की बात सुनते हैं, बीच में क्यों बोल रहे हो, मीडिया के फोटो के लिए सोच रहे हो, बचोगे बचोगे नहीं बचोगे, कान खोल करके ध्यान से सुनो जल जीवन हरियाली अभियान क्या चीज है। अगर नहीं सुनोगे, किसी के बहकावे में आकर इधर उधर जाओगे, बचोगे नहीं, सब जाएगा, इसलिए जरा सचेत होइए। और इसके लिए ही जागरूकता सम्मेलन है, ये बात को सुनो ध्यान से। पहला है सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहार पाइन को अतिक्रमण से मुक्त कराना। दूसरा है जितने सार्वजनिक पोखर, आहार पाइन, तालाब हैं, सबका जीर्णोद्धार। उसके बाद हर घर नल का जल दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सार्वजनिक कुओं को भी फिर से उसका जीर्णोद्धार करना है। चापा कल भी हमेशा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जब से चापा कल का सिलसिला शुरू हुआ लोगों ने कुआं पर ध्यान देना छोड़ दिया, और कुआं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसलिए पूरे बिहार में सार्वजनिक कुओं का पता करके उसका जीर्णोद्धार हम लोग करा रहे हैं, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार। और इसके बाद जितने सार्वजनिक कुआ है या चापाकल है, वो सब के बगल में सोखता का निर्माण कराएंगे कि पानी इस्तेमाल करिएगा, जो आपके इस्तेमाल के बाद पानी जो बाहर निकलता है वो नाला में नहीं जाए, वो सोखता बना करके, ताकि पानी अंदर जाए और नीचे का जो जल स्तर है वो कायम रहे। और ये जो हम लोग सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहार पाइन, ये सब की बात जो कर रहे हैं, कुओं का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, इसी से ये जो भूजल स्तर है उसमें जो कमी आ रही है उसमें रुकावट आएगी। और इसके बाद नए जितने छोटी नदियां हैं, जो भी हैं जंगल पहाड़ी क्षेत्र, जल संरक्षण के लिए चेक डैम का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन, सरकारी भवनों में शुरू कर रहे हैं, वर्षापात जो होता है, जो छत पर वर्षा आता है उसका संचयन करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसको कहते हैं, वो काम हम लोग करेंगे, ये काम की शुरुआत कर दी है और कई जगह हम देख करके आए हैं ये सब हो रहा है। ये तो हुआ पानी की रक्षा, और उसके बाद दूसरा चीज है हरियाली। झारखंड जब अलग हो गया तो बिहार में कितनी हरियाली थी, कितना कम, जंगल तो कम है ही बिहार में, पूरा जो हरित आवरण है पेड़ पौधों के बाद वो अभी कम, जो आकलन हुआ पूरे बिहार में मात्र 9%। अब आप कल्पना करिए, इतनी बड़ी आबादी और मात्र 9%। हम लोगों ने 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत की, 24 करोड़ पौधा लगाने का निर्णय लिया, 19 करोड़ पौधे लगाए गए, और अब संख्या बढ़ गई है हरित आवरण की लगभग 15%, लेकिन उससे हम लोगों को संतोष नहीं, अभी और बढ़ाना है, अगले 3 वर्षों में 8 करोड़ पौधे और लगाएंगे, हर सड़क के किनारे हर जगह पौधे लगाएंगे और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों का 8वां मुद्दा है हरियाली का, ये काम हम लोग कर रहे हैं इसका।
बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और उसके बाद मौसम के अनुकूल खेती, मौसम के अनुकूल खेती करने से ही किसानों को ज्यादा फायदा होगा, इसलिए मौसम के अनुकूल फल चक्र पर पूरा का पूरा हम लोग काम करना शुरू कर दिया है। और इसके लिए कई संस्थाओं को मिला करके हम लोगों ने टीम बनाई और उस टीम के द्वारा ये काम हम लोगों ने शुरुआत करा दिया है। लोगों को प्रेरित करेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रेरित करेंगे लोगों को कि मौसम के अनुकूल फसल चक्र। और दूसरी बात, आज कल जो बीमारी शुरू हुई पंजाब और हरियाणा से, लोग पुआल में आग लगाने लगे, पराली में फसल अवशेष को, वो बहुत गलत बात है, पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। और उसके बाद जो आपकी मिट्टी है उसके उसकी ताकत को, उपज की ताकत को घटा रहा है, इसलिए बड़े पैमाने पर उसका भी अभियान, और उसमें भी हम लोगों ने कई निर्णय ले लिया है। कई प्रकार की मशीन लोगों को खरीदने के लिए 75% से लेकर 80% का अनुदान, ताकि ये काम न करे, और उसके लिए भी अभियान चल रहा है। तो यह भी हम लोगों का नौवां हिस्सा है। और दसवां हिस्सा है, हर घर बिजली पहुंचा दिया, लेकिन ये बिजली कितने दिनों तक रहेगी, कोयला कब तक रहेगा, तो असली बिजली जो ऊपर नजर आ रहा, जो सूर्य भगवान में ताकत है, सूर्य में जो सौर ऊर्जा है वही असली ऊर्जा है, इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए और उसको लोगों को उसके लिए प्रेरित करने के लिए हम लोग सोलर प्लेट, जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं सबसे पहले वहां सोलर प्लांट लगा रहे हैं, उसकी काम शुरू की शुरुआत करके और सब लोगों को प्रेरित करेंगे। तो ये दसवां काम और ग्यारहवां काम है, ये काम करेंगे लेकिन इसके साथ साथ लोगों को प्रेरित करेंगे, ये अभियान चलाते रहेंगे। अगर ये अभियान निरंतर नहीं चलेगा, लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए अभियान भी चलेगा। इसलिए जल जीवन हरियाली अभियान, उसकी योजनाएं मिशन मोड में लागू की जा रही है। एक एकड़ से कम वाला भूमि का तालाब है, उसका काम तो मनरेगा से होगा, उसके बाद सारा का सारा काम राज्य सरकार से होगा। और जान लीजिए, 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान के इन 10 योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए, और अभियान तो चलता ही रहेगा, इसमें राज्य सरकार ने 24,500 करोड़ रुपए की योजना बना दी है और उस पर काम शुरू किया है, इसके काम की शुरुआत हो रही है। इसलिए हम जगह जगह जाकर देख रहे हैं, हर जिले में कम से कम एक जगह हम जरूर जाकर देखेंगे, देखते हैं कि काम कैसा हो रहा है और इसको और बेहतर कैसे करना है, लोगों को भी सुनते हैं, ध्यान देते हैं, और तब ये काम बहुत अच्छा होगा और बिहार फिर उस पुरानी स्थिति में आएगा जब इसका भूजल स्तर नीचे नहीं जाएगा, पर्यावरण अनुकूल रहेगा और खेती बाड़ी सब अच्छी होगी। तो इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये जल जीवन हरियाली अभियान, और ये काम तो करेंगे लेकिन इसके साथ साथ ये अभियान चल रहा, इसकी शुरुआत हुई है, तो सब लोगों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हम विकास का काम करते हैं, समाज सुधार का भी काम करते हैं। बहनें बैठी हुई हैं, इन्हीं लोगों की मांग पर शराबबंदी लागू हुआ, शराबबंदी का कितना फायदा, पहले क्या बुरा हाल था, महिलाओं ने, हम सब जगह घूमे 16 में लागू करने के बाद, महिलाओं ने कहा, कई जगह कहा अपनी बात, एक महिला ने कहा कि मेरे पति शराब पीते थे, शाम में आते थे घर, लौट कर घर आते थे, झगड़ा करते थे, देखने में क्रूर लगते थे, अब शराबबंदी लागू हुआ, शाम में घर आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद कर लाते हैं और अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं, ये बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन कुछ आदमी है भाई, कुछ तो गड़बड़ सोच वाला रहेगा, आप कितना भी काम करिए, कुछ ना कुछ घचपच करने वाला आदमी, गड़बड़ करने वाला आदमी रहेगा, बायां दायां करेगा, इधर से उधर करेगा, तो
तो भाई बहनों से प्रार्थना है, अभियान चलाते रहिएगा, अभियान चलाते रहिएगा। जो कार्रवाई है वो तो होती है, अब जान लीजिए 74 स्पेशल कोर्ट बनने जा रहा है, जो इस शराबबंदी के, जो शराबबंदी का जो विरोध करेंगे, जो गड़बड़ करेंगे, वैसे लोगों पर जो कार्रवाई होती है 74 स्पेशल कोर्ट बनने जा रहा। तो ये सब काम तो है। और बहुत लोग आलोचना करते थे हमारी कि भाई गरीब गुरबा आदमी पकड़ा रहा है। अरे भाई, गरीब गुरबा आदमी कोई शराब से या ताड़ी से जुड़ा था, उसके जीवन को बदलने के लिए जीविका की दीदियों के माध्यम से न सिर्फ उनकी पहचान बल्कि उनको प्रेरित किया जा रहा है। और सतत जीविकोपार्जन योजना हम लोगों ने चलाना शुरू किया, उसमें उन परिवार के लोगों को प्रेरित करके 60,000 रुपया से लेकर 1,00,000 रुपये की मदद कर रहे हैं कि कोई दूसरा काम करिए। और हजारों परिवार ने इसको अपना लिया। हम कई जगह जाकर देखे, कितनी खुशी है कि अब वो दूसरा काम कर रहे हैं और कितनी अच्छी आमदनी हो रही है। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। सबसे कहेंगे भूलिएगा मत। और उसके साथ साथ बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ, ये बाल विवाह की शिकार महिलाएं मौत की शिकार होती हैं सबसे ज्यादा, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी मौत के शिकार होते हैं, और बहुत सारे बच्चे कई प्रकार की बीमारियों के शिकार होते हैं, बौनेपन के शिकार होते हैं, नाटा रह जाता है। इसलिए बाल विवाह से मुक्ति दिलाना। तो हम लोगों ने शराबबंदी के लिए भी अभियान चलाया। 21 जनवरी 2017 को मानव श्रृंखला बनी शराबबंदी और नशा मुक्ति के लिए। 4 करोड़, आप में से भी बहुत लोगों ने हिस्सा लिया, 4 करोड़ लोगों ने भाग लिया, दुनिया का रिकॉर्ड। और उसके अगले साल 21 जनवरी 2018 में मानव श्रृंखला बनी बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ। वो 14,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनी। और अब जब ये जल जीवन हरियाली अभियान चल रहा है, तो जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में, शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ भी, इन दोनों को भी नहीं भूलेंगे, लेकिन जल जीवन हरियाली अभियान के लिए और उनके लिए, उन दोनों चीजों के लिए भी मिलकर फिर से मानव श्रृंखला बनाना है। और अगले महीने में 19 जनवरी को इतवार का दिन, हम आप सब से आग्रह करेंगे कि सब लोग एकजुट होकर एक दूसरे का हाथ थाम कर आधा घंटा खड़ा हो जाइए 19 जनवरी को 11:30 दिन में, आधा घंटा खड़ा होइए। वो जो दृश्य होगा वो मामूली दृश्य नहीं, ये दुनिया को बताएगा। हमारे यहाँ माननीय सांसद महोदय कह रहे थे, अरे भाई यहाँ हम लोगों ने कई काम शुरू किया, अब देश भर में हो रहा। ये जो जीविका समूह हम लोगों ने बनाया, अब देश भर में आजीविका चलने लगा। हम लोगों ने कहा हर घर बिजली का कनेक्शन देंगे, अब जेल भर में देश भर में चल रहा। हम लोगों ने कहा हर घर नल का जल देंगे, वो भी अब देश भर की योजना हो गई। तो बिहार में आप लोगों के सहयोग से जो काम होता है उसका असर होता है। और ये जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में आप मानव श्रृंखला बनाएंगे। दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर चर्चा हो रही है, और आपको मालूम है दुनिया के सबसे धनी आदमी बिल गेट्स बिहार देश भारत आते हैं, बिहार भी आते हैं, और उन्होंने बहुत मदद किया नर्स वगैरह की ट्रेनिंग से लेकर के कई काम में। कई बार आए, 4 साल के बाद इस बार आए, 17 नवंबर को लंबी बातचीत हुई, और लंबी बातचीत होने के बाद यहाँ से लौट करके गए, और उन्होंने क्या इंटरव्यू दिया, कहा कि भाई ये जो क्लाइमेट चेंज है, पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा, इस पर चिंता तो फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, वैसे मुल्कों में हमने देखा। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि इसकी चिंता बिहार में हो रही है, पटना में हो रही है। अब आप सोच लीजिए, ये काम करिएगा, मानव श्रृंखला बनेगी, तो देश ही नहीं दुनिया को यह संदेश जाएगा कि भाई मिलकर चलो, पर्यावरण की रक्षा करो,
जलवायु परिवर्तन मत होने दो और तभी पृथ्वी सुरक्षित है, लोग सुरक्षित है। और यही नाम है जल जीवन हरियाली। जल और हरियाली है तो सबका जीवन सुरक्षित है, मनुष्य का भी, जीव जंतुओं का भी, पशु पक्षियों का भी। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि इस चीज पर ध्यान रखिएगा। और ये उम्मीद करें ना 19 जनवरी इतवार के दिन जो मानव श्रृंखला होगा उसमें शामिल होइएगा ना, हाथ उठा करके बताइए। चलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने संकल्प ले लिया, हाथ उठाकर संकल्प प्रकट कर दिया कि 19 जनवरी को जल जीवन हरियाली अभियान में भाग लेंगे, तो इस अभियान का अंग बनिए। ये सब का अंग है और हम यही आग्रह करेंगे कि भाई समाज में मिलकर चलिए, एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव रखिए, प्रेम का भाव रखिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको इतना विलंब का सामना, देर का तक रहना पड़ा, आज तो सूर्य ग्रहण हो गया था, पहले से इस बात का एहसास नहीं, और आज सूर्य ग्रहण था तो हम लोगों को लगा कि भाई जब तक सूर्य ग्रहण खत्म नहीं होगा तब तक लोग निकलते कहाँ हैं, तो इसलिए 1.5 घंटा लेट आज हुआ। लेकिन आप सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, पुनः मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आपका जो संकल्प है जरूर शामिल होइएगा, इसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।